हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और टाइम हो रहा है अभी 7:30। बच्चे और हस्बैंड सब गए हैं जलेबी लेने के लिए, क्योंकि संडे के दिन बच्चे चले जाते हैं जलेबी लेने के लिए और सुबह सुबह हम लोग जलेबी खाते हैं, क्योंकि एक तो अच्छा ही है, एक दिन ऑफ मिलता है तो दिन की शुरुआत मिठास से करनी चाहिए। तो ये लोग चले गए हैं और मेरा काम हो गया है शुरू, क्योंकि बच्चे आज तुम घर में रहेंगे और मेन हस्बैंड भी रहेंगे तो काम बहुत लेट लेट होता है। तो मैं सोच रही थी इनके आने से पहले मैं सारा काम कर लूँ और मैं स्टार्ट आगे वाले रूम से करती हूँ, तो एक एक रूम साफ कर करते करते मैं निकल जाऊँगी और मेरा सारा घर साफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ सोफा का कवर ठीक कर रही हूँ और गमले को पानी दे रही हूँ। एक लाइन से सब काम करते करते निकलते हैं। तो यहाँ मेरा सब काम हो गया है और अब मैं आ गई हूँ सेकंड रूम में, और सेकंड रूम में मेरा काम चल रहा है जासूसी का। मैं खिड़की में से देखती भी जा रही हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया। मैं बाहर तो ज़्यादा निकलती नहीं हूँ तो मैं खिड़की से ये सबको देखती रहती हूँ। और यहाँ मैं ब्लैंकेट को तार रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी ठंडी आ गई, तो उतनी ठंडी नहीं आई है, लेकिन यार पंखा फुल पे चलता है तो मॉर्निंग में हल्की हल्की ठंड लगने लगती है, तो और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसीलिए मैं ब्लैंकेट निकाल ली हूँ। और ये रूम भी मेरा साफ़ हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे आ जाएं और मेरा काम ना हो पाए। अभी एक रूम और बचा है, ये रूम क्लीन हो गया है और मैं थर्ड रूम में आ गई हूँ। और आते के साथ में क्या देखती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल के आधे सामान बाहर ही हैं। बच्चे यूज़ करते हैं तो वो अंदर नहीं रखते हैं, वो बाहर ही छोड़ देते हैं। रोज का काम है मेरा, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और अंदर का भी हाल बच्चों ने बहुत ख़राब कर रखा है। ड्रेसिंग टेबल मुझे साफ़ करना है, क्योंकि हस्बैंड रोज़ गुस्सा रहे हैं कि एक भी सामान सही जगह पे नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है करने का। और यहाँ मैं आ गई हूँ बेड ठीक करने के लिए। तो ये वाला बेड आप जितनी बार भी क्लीन करिए लेकिन ये मिलेगा आपको ऐसी ही हालत में। ये रूम ना काफ़ी भरा भरा है, क्योंकि किचन में जगह नहीं है, तो फ्रिज भी यहीं पे है और अलमारी भी है, तो सारा चीज़ इसी रूम में है। बच्चे आ गए हैं और हम लोग बैठ के जलेबी खा रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ नाश्ते में पोहा बनाने के लिए। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल दिया है और राई डाल दिया है, और अब इसमें प्याज अदरक और हरी मिर्च डाला है, महीन चॉप कर लिया था, और अब इसको लाल होने तक मैं भूनती रहूँगी।
और यहाँ पे मेरा प्याज अच्छा खासा लाल हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक डालने से मसाला जल्दी भुन जाता है और टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएगा। और मैं ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ और इसमें बस डालूँगी हल्दी और कोई मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ। और ये एक बार आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ठंडी में तो सभी वेजिटेबल मिल जाते हैं तो और अच्छा मिलता है। मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थे, मैंने इसमें सिर्फ डाला है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और हरा मटर। और आपके पास अगर और भी है और आपका फेवरेट जो भी है तो आप डाल सकते हैं, पोहे में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अच्छा खासा ये भुन गया है। और अब मैं इसमें जो मैंने चूड़ा धो के रखा था मैं वो ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि नमक ऐसा ना हो कि नमक कहीं कहीं हो और कहीं कहीं ना हो, तो अच्छे से मिलाना ज़रूरी होता है जिससे और टेस्टी टेस्टी बनता है। तो यहाँ मेरा पोहा बन के तैयार हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा देर तक इसको रेस्ट दूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोल मिर्च पिसी हुई थी, तो वो अच्छा लगता है, ऊपर से थोड़ा सा गोल मिर्च का टेस्ट आता है, तो मैंने उसे थोड़ा देर के लिए रख दिया है। और अब ये बन के पूरा तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना था। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। अभी इसमें मैं धनिया का पत्ता ऐड करूँगी, इसके बिना तो बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अब पोहा बन के तैयार हो गया है और ठंडी का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। जिसको जिसको अच्छा लगता है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये पोहा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोग अपने घर में ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। ये है पोहा और लीजिए आप लोग भी खाइए। नाश्ता ठीक बनाया है, मस्त। आपको कोई प्रॉब्लम है?